तो गाइस रमजान स्टार्ट हो चुका है, आज पहला रोजा था, ठीक है। तो आप बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। यस गाइस, तो गाइस इसके इसलिए हम एक नात लेके आए आप लोगों के लिए। रमजान का नात है ये, अली वारिस सर का है ये, ठीक है। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था, जिसका टाइटल है नूरे रमजान बाय फरहान अली वारिस, ठीक है गाइस। तो देखते कैसा होने वाला है ये नात। लेकिन गाइस उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पे नहीं हो गए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हो गए वो लाइक करो एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना वीडियो को, ताकि हम कपल को सपोर्ट मिले। आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, तो गाइस प्लीज सपोर्ट जरूर करना। तो चलो सुनते गाइस कैसा ये नात है, अभी तक के हम नहीं सुने हैं, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन वीडियो आप लोगों का शूट करना था। शुक्रे खुदा करो महे रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। अल्लाह तेरा है एहसान, रोजे नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान। इल्म मशरूत है अमल से, और ये हासिल होता है जब कोशिश की जाए दिल से। इल्म अदब सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान नूरे रमजान। नूरे रमजान, नूरे रमजान। दीन इस्लाम मोहब्बत का पयाम, अल्लाह का इनाम, खालिक का है पैगाम। कैसी हवाएं इश्क चली, खत्म हुई नफरत दिल की, बांट रहे हैं प्यार सभी, सहरी हो या अफतारी। अल्लाह तेरा है एहसान, एक हुए सारे इंसान, सज गए घर घर दस्तरखान नूरे रमजान। नूरे रमजान, खुशियों से दामन मेरा भर दिया, और बदले में मैंने तुझे क्या दिया। इन गुनाहों पे दिल रो रहा है मेरा, मैंने माँ बाप का हक अदा ना, तेरे बंदों का दिल भी दुखाया बड़ा, ना ही खैरात की ना ही सदका दिया, सिर्फ अपने ही बारे में सोचा किया, ना नमाजें पढ़ी ना ही रोजा रखा, और इबादत का हक अदा ना हुआ, फिर भी तूने करम अपना जारी रखा। तू सखी है बड़ा, तू सखी है बड़ा, मैं पशेमान हूँ, रहम कर दे खुदा, रहम कर दे खुदा, रहम कर दे। है ये बख्शिश का सामान, सजदे में है हर इंसान, क्या सज्जादर का फरहान नूरे रमजान। तो गाइज ये था नाद, बहुत ही प्यारा नाद था, इसकी एक एक लाइन बहुत अच्छी थी, और बीच में जो आया था, ठीक है,
यस फरहान सर का वो बहुत अच्छा था गाइस, ठीक है। रियली मेरे को तो उस समय थोड़ा मैं इमोशनल हो गया था, ठीक है, क्योंकि इनकी जो आवाज इतनी अच्छी है और इस पे इतना अच्छा उनका आवाज था कि सच में रियली मैं कुछ मतलब अल्फाज ही है यार बयां करने के लिए। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो गाइस, और ज्यादा से ज्यादा सजेशन दिया करो हमें कि हम किन के वीडियो पे रिएक्शन दे, आप लोगों के कहने पे जरूर देंगे, और न्यू हो गए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हम कपल को पे सेट कर लेना और हम कपल को जरूर सपोर्ट करना गाइस, ठीक है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय एंड लव।